हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पल्किन एजुकेशनल डेस्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पल्किन एजुकेशनल डेस्क। आई एम पल्किन चौधरी। टुडे वी विल डिस्कस अवर थर्ड रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी रुकनुद्दीन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट रूलर रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन ने 1236 एडी में रूल किया, ज्यादा से ज्यादा या तो 6 मंथ और 1 ईयर। सो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ही वॉज सन ऑफ इल्तुतमिश। जो रुकनुद्दीन थे वो इल्तुतमिश के सन थे, इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन। सेकेंड पॉइंट, ही क्राउंड बाय हिज मदर शाह तुकरन आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश इन 1236। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी माँ शाह तुकरन ने उन्हें ताज पहनाया 1236 एडी में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज He was deposed by Razia, daughter of Iltutmish, when he was out of capital to curb a rebellion in Awadh against him. Deposed मतलब आपदस्थ और rebellion का मतलब होता है विद्रोह। Iltutmish की पुत्री रजिया ने उसे आपदस्थ कर दिया था जब वह अवध में उसके विरुद्ध विद्रोह को रोकने के लिए राजधानी के बाहर गया था। He died on 19 November 1236 AD. रुकनुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 19 नवंबर 1236 AD में। So let's move towards our next ruler, रजिया सुल्ताना। So now our next ruler is रजिया सुल्ताना। Her time period start from 1236 to 1240 AD. 1236 से लेके 1240 AD तक रजिया का शासनकाल रहा है। So let's start. She was the first and only Muslim lady who ever ruled India. वह पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने भारत में कभी शासन किया था। Now second point is, though Iltutmish had nominated Razia as the successor. हालांकि इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था, the nobles placed the throne, पर रईसों को सिंहासन पर बैठाया गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रजिया वॉज पॉपुलर अमंग पीपल बट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नॉबल्स एंड थियोलॉजियंस। नॉबल्स मीन्स रईसो एंड थियोलॉजियंस मीन्स धर्मशास्त्रियों। रजिया लोगों के बीच लोकप्रिय थी लेकिन धर्मशास्त्रियों और रईसों को स्वीकार्य नहीं थी। सो नाउ अवर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया। रजिया के खिलाफ विद्रोह हुए थे क्योंकि जो मुस्लिम लेडीज थी उन्हें पहले आज के टाइम में भी थोड़ा कम माना जाता है मुस्लिम लेडीज को उनके मेंस के मुकाबले, पर पहले बहुत ज्यादा दबाया जाता था मुस्लिम लेडीज को। कोई भी ये नहीं चाहता था कि कोई मुस्लिम लेडी आके राज करे, तो उनके खिलाफ काफी विद्रोह हुए थे। द गवर्नर ऑफ मुल्तान के राज्यपाल ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। लाहौर के हांसी के उन्होंने खुला विद्रोह किया था, ओपनली रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया। रजिया के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल खुले आम विद्रोह किया था कि कोई भी मुस्लिम लेडी रूल ना करे। वो सब यह चाहते थे कि रजिया की जगह रुकनुद्दीन जो कि इल्तुतमिश के बेटे थे वो रूल करे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा। अब हम एक ट्राइंगुलर लव स्टोरी है रजिया सुल्ताना की, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वन बाय वन पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। अल्तुनिया जो थे वो थे गवर्नर राज्यपाल भटिंडा के, और ये एक ट्राइंगुलर लव स्टोरी है बिटवीन अल्तुनिया, रजिया एंड याकूत। तो जो अल्तुनिया था वो और रजिया सुल्ताना दोनों चाइल्डहुड लवर, मोर देन फ्रेंड्स लवर्स कह सकते हैं आप। तो जो अल्तुनिया और रजिया थे वो लवर्स थे, और रजिया जो थी वो अल्तुनिया की वजह से ही, उसकी मदद से ही शासक बनी थी, रूलर बनी थी, उसी की हेल्प से वो रूल कर रही थी। तो क्या हुआ, जब वो रूल करने लगी, जब वो शासक बन गई थी रजिया सुल्ताना, तो उसका अफेयर उसके स्लेव मतलब उसके गुलाम के साथ चल गया, और गुलाम का नाम था याकूत। तो याकूत के साथ जब रजिया सुल्ताना का अफेयर चल गया तो उसके बाद ये चीज अल्तुनिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ये चीज अल्तुनिया को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। तो अल्तुनिया ने रजिया सुल्ताना पर अटैक कर दिया था। रजिया सुल्ताना पर अल्तुनिया ने जब अटैक कर दिया तो उस अटैक में अल्तुनिया ने सबसे पहले याकूत को मार दिया, और याकूत को मारने के बाद वो रजिया को अपने साथ भटिंडा पंजाब में ले गया, और उसके बाद उसने
वहां पे जाके उसके सामने एक कंडीशन रख दी कि या तो रजिया तुम मेरे से शादी करो या तुम्हें पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। तो रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद वह वापस पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, क्योंकि जब अल्तुनिया रजिया को पंजाब ले गया था तो उनकी जगह गद्दी पर उनके तीसरे नंबर का भाई जो रजिया के थर्ड नंबर ब्रदर था, इल्तुतमिश का थर्ड नंबर सन था बहरम शाह, वो गद्दी पर बैठ गया था और उसे डीथ्रोन करने के लिए, गद्दी पे से हटाने के लिए वो पंजाब से दिल्ली आ रहे थे अल्तुनिया और रजिया। और उसी बीच में किसी ने एक षड्यंत्र रच दिया उन दोनों के खिलाफ और उन दोनों को कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां पे दोनों को मार दिया 14 अक्टूबर को। तो ये लव स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है और ये रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी थी बिटवीन याकूट, अल्तुनिया एंड रजिया सुल्ताना। नाउ अब हम वन बाय वन वी विल डिस्कस द पॉइंट्स। अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा, आप सबको पता है जैसे कि अल्तुनिया जो था वो राज्यपाल था भटिंडा का, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट, बोथ अल्तुनिया एंड रजिया आर चाइल्डहुड लवर्स। अल्तुनिया और रजिया दोनों बचपन के प्रेमी कह सकते हो, बचपन के अच्छे दोस्त कह सकते हो। एंड शी रूल्ड विद द हेल्प ऑफ अल्तुनिया। और रजिया सुल्ताना ने शासन किया था, वो एक रूलर बनी थी अल्तुनिया की मदद से ही। लेटर व्हेन रजिया बिकेम रूलर, उसके बाद जब रजिया शासक बन गई, हर अफेयर स्टार्टेड विद याकूट, उसका अफेयर स्टार्ट हो गया उसके स्लेव याकूट से, जो कि उसका स्लेव था। दिस थिंग रियली हर्ट अल्तुनिया, जब उसने देखा कि याकूट और रजिया सुल्ताना दोनों में कुछ अफेयर, कुछ रिलेशन चल रहा है, तो ये चीज अल्तुनिया को बहुत ज्यादा हर्ट करी। और उसके बाद जो अल्तुनिया है, आफ्टर दैट अल्तुनिया अटैक्ड रजिया, अल्तुनिया ने रजिया सुल्ताना पर अटैक कर दिया, किल्ड याकूट, याकूट को उस अटैक में मार दिया इन अटैक एंड टुक रजिया विद हिम टू पंजाब, और रजिया को अपने साथ पंजाब ले गया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अल्तुनिया पुट अ कंडीशन ऑन रजिया। अल्तुनिया ने एक कंडीशन रख दी रजिया के लिए, दैट आइदर यू मैरी मी, या तो तुम मुझसे शादी करो, और एल्स यू विल हैव टू रॉट इन जेल, या फिर तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा फॉर होल लाइफ, पूरी जिंदगी या तो तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा या फिर तुम मुझसे शादी करो। ये कंडीशन अल्तुनिया ने रख दी थी रजिया के लिए। आफ्टर दैट रजिया एग्रीड टू मैरी अल्तुनिया। इस कंडीशन के बाद रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। एंड आफ्टर मैरिज, और शादी के बाद बोथ ऑफ देम वॉज रिटर्निंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। शादी के बाद वो दोनों वापस जा रहे थे भटिंडा पंजाब से दिल्ली, एविंग टू डी थ्रोन बहरम शाह, बहरम शाह को गद्दी से हटाने के लिए, क्योंकि जब रजिया सुल्ताना को अल्तुनिया पंजाब ले गया था तो गद्दी पे बहरम शाह, जो उनके थर्ड नंबर के भाई थे, रजिया सुल्ताना का जो थर्ड नंबर ब्रदर था बहरम शाह, वो गद्दी पर बैठ गया था, और उसे गद्दी पे से हटाने के लिए वो दोनों पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। समवन हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी, किसी ने एक षड्यंत्र रचा रजिया और अल्तुनिया के खिलाफ, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, एंड किल्ड देम नियर कैथल, और उन दोनों को मार दिया कैथल, हरियाणा में एक जगह है, ऑन 14 अक्टूबर 1240 एडी 14 अक्टूबर को किसी ने उन्हें मार दिया कैथल हरियाणा में। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड विद रजिया सुल्ताना। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर। If there is any question related to this topic, please ask by commenting. Please share and subscribe to the channel. Thank you all.